नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत पुनः एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से आभासी एकाणुक या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। तो आइए जानते हैं आभासी एकाणुक या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो आइए छद्म एकाणुक अभिक्रिया को हम जानें। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनकी अणुसंख्यता दो होती है, अर्थात अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, किंतु उन अभिक्रियाओं का गतिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी अभिक्रिया की कोटि एक होती है, अर्थात दर निर्धारक जो क्रिया कारक होता है केवल एक होता है, परंतु अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणु की अछद्म एकाणु का अभिक्रियाएं कहते हैं। पुनः जान सकते हैं संक्षिप्त में, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती जिनकी अणुसंख्यता दो होती, अर्थात अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, किंतु उन अभिक्रियाओं का गतिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी अणुसंख्यता की कोटि केवल एक होती है, अर्थात दर निर्धारक जो क्रिया कारक होता है केवल एक होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणु या छद्म एकाणु का अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से छद्म एकाणु का अभिक्रिया या आभासी एकाणु का अभिक्रिया को जाने। तो प्रथम उदाहरण के रूप में हम सुक्रोज का जल अपघटन का उदाहरण लेंगे। सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया द्विअणुक है क्योंकि इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन जल की जो सांद्रता होती है अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, अतः अभिक्रिया की दर केवल शर्करा के सांद्रण पर निर्भर करेगी। अतः हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर केवल शर्करा के सांद्रण के समानुपाती होती है, अर्थात अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं किंतु अभिक्रिया की दर केवल शर्करा के सांद्रता के समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर शर्करा के सांद्रण के बराबर या समानुपाती होती है। तो दर निर्धारक में सिर्फ शर्करा का ही अणु है, अतः ये जो अभिक्रिया है छद्म है, अर्थात इसमें दो अणु तो भाग ले रहे हैं परंतु दर निर्धारक केवल एक ही पदार्थ है। अतः हम कह सकते हैं इसे छद्म एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं, या क्या कह सकते हैं इस अभिक्रिया को छद्म एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम पुनः एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन का उदाहरण लेकर जाने। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जब एथिल एसीटेट को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल एवं एथिल अल्कोहल बनता है। हम क्या देख रहे हैं अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं किंतु अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के सांद्रण के समानुपाती होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं पुनः ये जो अभिक्रिया है छद्म एकाणुक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अतः एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन छद्म एकाणुक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छद्म एकाणुक अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है इसे उदाहरण के माध्यम से जाना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।